भिलवाड़ा के उपनगरपुर शहर में बुधवार को आम मुस्लिम द्वारा ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया। नीलगरान मस्जिद के मुक्तेवली अहमद नूर ने बताया कि यह प्रोग्राम पुर समाज द्वारा राजस्थान में एक मिसाल पेश करने के लिए कराया गया, जिससे आपसी सौहार्द और सभी धर्मों को एक बंधन में पिरोने की पहल की गई। शौरगढ़ समाज के सदर बरकत मिस्त्री ने बताया कि इस प्रोग्राम के आयोजन में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सभी की दस्तारबंदी की गई। एडिशनल SP ज्येष्ठा मित्री ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम समय समय पर आयोजित हो ताकि बनी रहे गंगा जमुना तहजीब देश व प्रदेश में बनी रहे। इस प्रोग्राम को राजस्थान में मिसाल बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि आज के प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर वायरल करें ताकि राजस्थान और देश में एक मिसाल बन सके। SDM ओम प्रभा ने अपने उद्बोधन में बताया कि उन्होंने 16 महीने की भिलवाड़ा में सर्विस करते हुए इस तरह के प्रोग्राम को पहली बार होते हुए देखा। बाकी प्रशासन और पुलिस हर कहीं जाती है तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए जाती है, लेकिन आज पुरवासियों ने हमें खुशी के मौके पर बुलाकर हमारा दिल जीत लिया और इस तरह के प्रोग्राम भविष्य में और करने की बात कही। ईद मिलन समारोह के अंदर COVID-19 में अपनी जान की परवाह किए बगैर महात्मा गांधी में कार्यरत फरीद मोहम्मद रंगदेश को पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत मंसूरी समाज के अध्यक्ष इमाम मंसूरी के द्वारा किया गया। स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मौके पर ईद मिलन समारोह के अवसर पर आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैडम, आदरणीय मंच, पूर्व कस्बे से पधारे सभी मित्रगण, बच्चों और पीछे युवा भाइयों, ये अब आपने मुझे आखिरी बार माइक दिया है तो मुझे शब्द ढूंढने पड़ेंगे कि बहुत सारी जो मेरी भावनाएं थी, बहुत सारी जो मेरी बातें थी, मेरे सभी साथीगण और अतिथिगण कह चुके हैं। और जैसा कि उमरा मैडम ने बताया, अंतराज ने बताया कि ये भीलवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन काल में तो ये जीवन काल में ही ऐसा पहली बार हो रहा है। इस तरीके का कोई ऐसा कोई समारोह हुआ और हमें उसमें आमंत्रित किया गया, और मैं देख सकती हूँ कि ये जो आपने समारोह किया ये सिर्फ एक दिखावटी नहीं है, ये आपने सच्ची भावना, सच्चे मन और सच्ची आत्मा के साथ आपने इसको ऑर्गेनाइज किया। इस सबके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं और हमारे लिए तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि अक्सर पुलिस तभी आती है जब कुछ गड़बड़ होती है, ऐसा बहुत कम मौका होता है किसी खुशी और इतने हर्षोल्लास के मौके पर बुलाया जाता है, तो इस सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं अब दो तीन चीजें ही कहूंगी कि एक तो आज का जो समारोह है इसका आपने फोटो वीडियो आप लीजिए और आप उसको वायरल करिए। मैं चाहूंगी कि आपकी जो अनुसरणीय पहल है अब पूर्व से सिर्फ शुरुआत हुई है तो आप आगे भी इसको करते रहेंगे। हर जो भी त्यौहार रहेगा छोटा बड़ा, अभी एक दो महीने कुछ त्यौहार रहेंगे, आगे के त्यौहार में भी आप इस तरीके की मीटिंग थाने लेवल पे और खंड लेवल पे करते रहेंगे और इसको एक नज़ीर की तरह पूरे भीलवाड़ा में, अभी तो पूरे राजस्थान में लेकर जाएंगे। हम देखते हैं कि कई बार नकारात्मक जो चीज़ें, नकारात्मक वीडियो मैसेज और ऑडियो तो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, पर जो सकारात्मक बातें हैं, सकारात्मक जो इस तरीके के मिलन समारोह होते हैं वो नहीं होते। विशेषकर जो युवा भाई हैं पीछे, बच्चे जो हैं, जो व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप इसको खूब वायरल करें और आपसे सीख लेकर और भी जो कस्बे हैं, और भी जो गांव हैं, और जो भीलवाड़ा शहर है वो भी आपकी तरह ऐसी पहल लें। और इसके बाद मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि ये शुरुआत है और मेरे से जितने भी लोग मिलने आते हैं ऑफिस में, कहती हूँ विशेषकर मैं युवाओं से कहूँगी कि इस तरीके की आप एक टीम भी बना सकते हो, हिंदू मुस्लिम टीम बनाओ, आप टूर्नामेंट रखो, आप दौड़ रखो, हम पुलिस खुद उसमें शरीक होंगे, और आप साइकिलिंग रखो, कुछ भी इस तरीके के पॉजिटिव रखो, क्योंकि हमारा काफ़ी क्रिटिकल पीरियड निकल गया है। और मैं चाहूँगी कि भीलवाड़ा की जो पहचान है, देखिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो, और ये मेरी पहली एडिशनल SP की पोस्टिंग है, तो मैंने भीलवाड़ा का एक रूप वो भी देखा और मैं भीलवाड़ा का नया रूप भी देख रही हूँ। मैं चाहूँगी कि यही रूप जो है भीलवाड़ा का, एक अमन चैन और खुशहाली और शांति का जो भीलवाड़ा का रूप है, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। और कोई छोटे छोटे आप एक्टिविटी, कोई टूर्नामेंट, कोई भी इस तरीके की अगर कोई बात है, आप मेरे ऑफिस में लेकर जाएँ। और इसके बाद मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मिजाज को और रामचंद्र को कि इतना अच्छे से उन्हें संभाला हुआ है कि आप सभी लोग इसकी कार्यप्रणाली से भी खुश हैं। अच्छा बच्चा वाकई है, बहुत बहुत बधाई की बात है आप। और इसके बावजूद भी अगर कोई भी समस्या है तो जो जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, वहीं पर मेरा दफ्तर है, आप कभी भी कोई समस्या हो वहाँ पर लेकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार भीलवाड़ा में इतनी खुशी हुई है मुझे, इसकी मैं सीमा तय नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुसलमानों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं आपको मैडम कुछ जानकारी देना चाहता हूँ पुर के बारे में। 50,000 पब्लिक तो यहाँ कंप्लीट ही है, 17,517 वोटर भी है, 23 बूथ भी है और 17 मजरे भी हैं। और इसके बाद में 4 समाज यहाँ बहुत ज़्यादा है, मोमडन समाज, विष्णु समाज, माली समाज, बामर समाज और हरी जात का है, आप सब जात का रहता है मैडम। तो पुराने टाइम कैसा है कि जो महाराज रहते थे वो ये मनाते थे कैप्टन सेनापति, हमारे यहाँ जो सेनापति ओम प्रकाश जी मैडम बैठे हुए हैं और गजराज जी जो बैठे सेनापति बैठे हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ इतना भाईचारा बना हुआ है, इनको हम जितना धन्यवाद दें इतना कम। और गजराज जी के बारे में जो कह चुके हैं, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ बीजेपी वाले भी बैठे हैं, कांग्रेस वाले बैठे हैं, हर पार्टी वाले बैठे हैं, हर समाज वाले आदमी यहाँ बैठे हैं। ये अगर चुनाव लड़े तो इनको पार्टी से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, ये भी मैं कहता हूँ, इतना व्यवहार है हर समाज के अंदर। और एक में हमारे निवेदन की मैडम जो जिंदल की प्लास्टिक से दरार रही थी, ओम प्रभा जी मैडम ने उस टाइम गांव के हित के अंदर जो एक लाइन लिखी थी उससे भला हुआ था। उसके बाद में सीएम साहब ने मैडम दौरा किया था, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने या भी आए थे, सीएम साहब दौरा किया था। उसके बाद में सरकार ने हमें 759 प्लॉट दिए हैं, उसके लिए मैडम एक निवेदन की एक नया पूरी योजना के अंदर हमारे 367 प्लॉट रुके हुए स्टे के कारण, और 59 की लॉटरी रुकना बाकी है। तो हम तो आपको निवेदन कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसके अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, आम है, तो उनका सबका भला हो जाए। आप लोगों का सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत। के लिए राज करने की जो बात कही है वो हमारे दिलों मैं योगेश जी को स्वागत करता हूं, इनका बहुत बहुत हाँ इमाम साहब भी बता रहे। अब जो शानदार संचालन कर रहे हैं, मैं मुस्लिम समाज की ओर से हमारे मौली जी भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब इन बहुत सुंदर आज पूर में समग्र समाज की तरफ से ईद मिलन का समारोह रखा गया और उसमें पूर के सारे सामान्य नागरिकगण भी मिले और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित। ये एक सामाजिक सौहार्द की बहुत अनूठी और बेमिसाल इन्होंने एक उदाहरण दिया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे ब्लॉक में, जिले में ऐसी ही सबकी सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा प्यार बना रहे और ये सब मिलकर और अपनी उन्नति के लिए काम करें। आज पुर कस्बा वासियों ने ईद मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित किया, पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर आमंत्रित किया। इसके लिए मैं जितने पुर वासियों को इस अनुसरणीय पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इस तरीके के ईद मिलन समारोह जिसमें सभी समुदाय के लोग आपसी एक के साथ भाईचारे के साथ सम्मिलित हों, इस तरीके की पहल भीलवाड़ा के और भी जिले और कस्बों में होती है जिससे कि हमेशा शांति और खुशहाली का माहौल बना रहता है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर कस्बे के सभीवासियों को, पूर कस्बे के क्या आपको लगता है ये मैसेज पूरे राजस्थान में फैलना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए? इस तरीके के प्रोग्राम हर जिले, हर कस्बे, हर गांव में होते रहना चाहिए और इस तरीके के पॉजिटिव जो सकारात्मक मैसेज है हमेशा फैलना चाहिए। सौहार्द का वातावरण या माहौल हमारे सामने सराहनीय है, सभी के लिए प्रेरणादायक है। संपूर्ण भीलवाड़ा को नहीं, पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे देश में इस तरह की पहल करनी चाहिए। इस तरह के मिलन समारोह सभी समुदायों के त्योहारों पर रखना चाहिए और सभी समुदायों से भाग लेना चाहिए। मैं पूरी जनता और दोनों समुदाय के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर प्रोग्राम हर जुलूस के अंदर दूसरा समुदाय उस वर्षा करता हमेशा अगुवाई में खड़ा रहता है और दोनों समुदाय मिलके जो स्वार्थपूर्व गंगा जमुना जी जो पहल की है उसके तहत प्रोग्राम करवाते हैं। इसके लिए मैं पूरी जनता का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मैसेज अन्य जिलों में, अन्य शहरों में भी जाए ताकि उनको मैसेज मिले कि पूर की जनता किस तरह से स्वार्थपूर्ण वातावरण में दोनों समुदाय मिलकर त्यौहार मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूर की जनता।